बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग वेव इन एयर कॉलम और उसे हम ब्रैकेट में लिख दो उसे ऑर्गन पाइप स्टैंडिंग वेव इन एयर कॉलम ऑर्गन पाइप जब हमने साउंड डिस्कस किया था तब हमने बात की एयर जब मूव करती है तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पोजीशन के साथ होता रहता है कहीं पर एयर कंप्रेस होगी कहीं पर एक्सपेंड हो जाएगी उसे रेयरफैक्शन कहते हैं कहीं पर प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा कहीं पर प्रेशर नॉर्मल से कम हो जाएगा और कहीं नॉर्मल रहेगा जहां पर प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा होता है या नॉर्मल से कम होता है वहां पर पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है अपने हर पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम के टू एंड फ्रो मोशन करते हैं तो इसका इक्विलिब्रियम यहां है तो इधर ये गया हुआ है तो इधर कंप्रेशन हो गया इधर रेयरफैक्शन अलग अलग कहीं पर नॉर्मल प्रेशर भी होता है छोटे छोटे रीजन बन जाते हैं जहां नॉर्मल प्रेशर है एक तरह से वहां पर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हुआ वो मीन पोजीशन पर है तो बच्चों अगर हम एक ऑर्गन पाइप ले ऑर्गन पाइप एक पाइप होता है जो या तो दोनों तरफ से खुला होगा या एक तरफ से बंद होगा एक तरफ से खुला होगा अगर कोई पाइप एक तरफ से बंद और दूसरी तरफ से खुला है तो इसे हम ओपन ऑर्गन पाइप कहते हैं नहीं क्लोज ऑर्गन पाइप और अगर दोनों तरफ से खुला हो ओपन ऑर्गन पाइप कहते हैं दोनों तरफ से बंद भी हो सकता है लेकिन बाहर से फिर हम उसे वाइब्रेट नहीं करा पाएंगे लेकिन हम उसके खुद के डायफ्राम के थ्रू वाइब्रेट करा सकते हैं ढोलक जैसे होता है ना दोनों तरफ से बंद भी हो सकता है चलो हम लोग दो ही ऑर्गन पाइप को डिस्कस करेंगे ओपन एट वन एंड एंड ओपन एट बोथ हैंड्स मान लीजिए एक ओपन ऑर्गन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है जिसका एक एंड बंद है ऊपर से हमने एयर कॉलम को वाइब्रेट कराया एयर कॉलम को वाइब्रेट कैसे कराएंगे ट्यूनिंग फोर्क की हेल्प से तो ये कोई पाइप है नीचे से क्लोज है यहां पर हम ऐसे ट्यूनिंग फोर्क को रख देंगे ट्यूनिंग फोर्क के दोनों जो आर्म्स होती हैं ये एयर को पुश और पुल करता है वाइब्रेट करवाता है वाइब्रेशंस नीचे पहुंचेंगे बच्चों हम जानते हैं जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है पोजीशन है मतलब क्लोज एंड तो यहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो यहां पर क्या बनेगा नोड बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट नोड कहलाता है शुरू में इक्वेशन देखी थी वहां पर प्रेशर वेरिएशन और डिस्प्लेसमेंट में एक पाई बाई टू का फेज डिफरेंस था पाई बाई टू का फेज डिफरेंस ये बताता है कि जहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा वहां पर प्रेशर वेरिएशन सबसे ज्यादा होगा और जहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा वहां प्रेशर वेरिएशन जीरो होगा यहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता तो ये डिस्प्लेसमेंट नोड कहलाता है लेकिन प्रेशर की टर्म्स में बात करें तो ये प्रेशर एंटी नोड कहलाता है क्या कहलाता है अब हम प्रेशर का वेरिएशन डायग्राम में नहीं बना सकते इसलिए डायग्राम में हम डिस्प्लेसमेंट ही बनाएंगे मतलब आल्दो मैं जिस तरह से शो करूंगा उस तरह से स्टैंडिंग वेव नहीं बनती हम लोग तो वैसे ही शो करेंगे जैसे स्ट्रिंग में शो किया था वैसे ही स्टैंडिंग वेव नहीं होती एयर में अलग तरह से होती है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन उस तरह से ही होती है तो शो नहीं कर पाएंगे ना हम
तो हम इस मतलब स्ट्रिंग की तरह ही लूप्स बनाएंगे यहां। बच्चों यहां पर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड बोलेंगे। अगर हम एक ऑर्गन पाइप लें जिसमें एक एंड बंद हो तो उसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी जनरेट हो सकती है? क्लोज एंड पर नोड बनना जरूरी है और ओपन एंड पर एंटीनोड बनना जरूरी है। तो इसमें अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा ऐसे। बच्चों यहां पर है ना एक एंड करेक्शन और होता है, मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अभी तो हम लोग ये मान रहे हैं एंटीनोड जो है बिल्कुल ओपन एंड पर बन रहा है, पर क्या होता है पार्टिकल अपने इनर्शिया की वजह से बाहर निकल जाते हैं ना, तो एंटीनोड ओपन एंड से थोड़ा सा बाहर बनता है, उसे हम एंड करेक्शन कहते हैं। अभी आप एंड करेक्शन जीरो मान लो, तो जीरो है तो मैं बिल्कुल यहां बना देता हूं ये मान लो ऐसे। तो बच्चे एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 4 होता है, तो लैम्डा 4L आ गया। फ्रीक्वेंसी वी बाय लैम्डा होगी तो वी बाय 4L। तो अगर पाइप की लेंथ L है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, तो उसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनेगी वो वी बाय 4L होगी। अगर हम इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की बात करें, फर्स्ट ओवरटोन, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अब इसी पाइप में अगर हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर नोड बनेगा, फिर यहां पर नोड बनेगा और अपर एंड पर एंटी नोड, इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये लैम्डा बाई 4 और ये लैम्डा बाय 2 होगा। 3 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू एल, लैम्डा हो जाएगा 4L बाई 3, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3V बाय 4L। तो बच्चों इसमें सेकेंड हार्मोनिक नहीं होता, नोमेनक्लेचर सेम आएगा जो वहां था, ये थर्ड हार्मोनिक होता है, करेक्ट। तो आप लोग पहले क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हेडिंग लिख लो, फिर ये कॉपी कर लो। वो स्टेटमेंट आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि ऑर्गन पाइप में क्लोज्ड एंड पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट नोड बनता है और ओपन एंड पर डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। लेकिन प्रेशर के लिए स्टेटमेंट रिवर्स होगा, क्लोज्ड एंड पर प्रेशर एंटी नोड बनेगा। बहुत सारी बुक्स में आपको यहां पर है ना एंटी नोड शो किया होगा, लेकिन लिखा होगा ये प्रेशर का वेरिएशन शो कर रहे हैं, यानी कि यहां पर प्रेशर वेरिएशन सबसे ज्यादा होगा। वेरिएशन समझते हैं, कंप्रेस्ड होगी गैस, वेरिएशन का मतलब ऐसे नॉर्मल नहीं होगा। और ओपन एंड पर प्रेशर वेरिएशन जीरो होगा ऑलमोस्ट, वहां प्रेशर नॉर्मल प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर।
अब देखो ओपन ऑर्गन पाइप में भी ये दोनों फ्रीक्वेंसी मोड बना लीजिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में दोनों तरफ एंटी नोड बनेगा, तो लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो v बाय 2 एल आएगी, v बाई लैम्डा होता है ना। यहां पर वेलोसिटी हम एयर के अंदर ले रहे हैं साउंड की, तो अंडर रूट टी बाई म्यू नहीं लेना, यहां पर आपको डायरेक्ट वैल्यू लेनी है टेम्परेचर, अगर आपको दे दे तो वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी, अंडर रूट टी बाई म्यू से नहीं निकलेगा, ये स्ट्रिंग वाली वेव नहीं है, साउंड वेव है। अगर हम फर्स्ट ओवरटोन कैलकुलेट करें तो बच्चों डायग्राम कैसा बनेगा, दो एंटी नोड के बीच में एक नोड बनना तो जरूरी था ना, तो अब दो नोड आएंगे तो ऐसे इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये देखो बहुत अच्छा नहीं बनता यहां डायग्राम, इस तरह से ये लैम्डा बाई 4 होगा, ये लैम्डा बाई 2 होगा, ये लैम्डा बाई 4 होगा, तो लैम्डा हो गया ना शायद, ये इज इक्वल टू एल, तो लैम्डा इज इक्वल टू एल, फ्रीक्वेंसी वी बाई एल यानी कि ट्वाइस, दिस इज सेकेंड हार्मोनिक, तो जैसे स्ट्रिंग वाला केस था, स्ट्रिंग जब दोनों तरफ से फिक्स थी तो दोनों तरफ नोड बनते थे, यहां पर दोनों तरफ एंटी नोड बन रहे हैं, इसमें ऑड नंबर के हार्मोनिक्स बनेंगे, इसमें सारे हार्मोनिक्स बनेंगे, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत दिमाग में एक डायग्राम बनाना, उससे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब है ना एकदम से आपको देगा यार क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बताइए वेलोसिटी और लेंथ देकर, तो अपन को है ना तुरंत डायग्राम बनाना है, तो ऐसे बनाओगे जैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में लैम्डा बाई 4 होता है, फर्स्ट ओवरटोन में 3 लैम्डा बाई 4, सेकेंड ओवरटोन में 5 लैम्डा बाई 4, थर्ड ओवरटोन में 7 लैम्डा बाई 4, फोर्थ ओवरटोन में 9 लैम्डा बाई 4 और फिफ्थ ओवरटोन में 11 लैम्डा बाई 4, तो 11 लैम्डा बाई 4 को तुरंत एल के इक्वल करके लैम्डा निकाल देना, वी अपॉन एल से, वी अपॉन लैम्डा से फ्रीक्वेंसी निकाल लेना। तो रटोगे कब तक, मतलब कुछ बच्चे तो बिल्कुल वो n वाले फॉर्म में लिखते हैं ना, मुझे तुरंत जैसे आप n की टर्म्स में लिखोगे मैं समझ जाऊंगा ये रट रहा है, तुरंत पता लग जाता है, क्योंकि है ना वहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, पहले n की टर्म्स में लिखेंगे फिर पूछेंगे सर n को 0 से शुरू करूं या 1 से शुरू करूं, ये है क्या चीज, अरे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, हमको तो लैम्डा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी में लैम्डा बाई 4 चाहिए, नहीं समझे आप, तो अगर आप मतलब फिर आपको पूरी तरह से रटना पड़ेगा, फिफ्थ ओवर टोन है 2n प्लस 1 लेना पड़ेगा, तो 2n प्लस में n इज इक्वल टू 5 पुट करोगे तो 11 आ जाएगा ना, नहीं समझे, पर वो रटना ही तो हुआ कि याद रखना पड़ेगा, फिर कंफ्यूज होगा यार 2n प्लस 1 था या 2n माइनस 1 था, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में ये प्लस 1 माइनस 1 चलता रहेगा, इसलिए मैं कभी n की फॉर्म में लिखता ही नहीं, आपको मैंने उस दिन थ्योरी पढ़ाई थी तो अभी आप देखो मैंने n कहीं नहीं लिखा, मैंने सारी वैल्यूज लिखी कि पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर या तो लैम्डा बाई 2 होता है या 3 लैम्डा बाई 2 होता है या 5 लैम्डा बाई 2 होता है, मैंने लिखा ही नहीं 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1, जैसे मैं लिखता ना तो बच्चे कहते हैं सर n को 0 से शुरू करें या 1 से, अरे कहीं से कर लो कैसे ही कर लो, वो ओड मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा बाई 2 का, इंपॉर्टेंट ये है, समझ रहे हैं आप,
तो जब वो आगे जाकर मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ इस तरह से पूछता है तो वो मिनिमम पर लैम्डा बाई टू ले लो आप इस तरह से. तो एन की टर्म्स में याद रखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों कॉपी कर लो अब आप. बच्चों इसमें क्वेश्चन वैसे ही बनते हैं जैसे स्ट्रिंग में हमने लास्ट टर्न पर किए थे. एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूं. एक ओपन ऑर्गन पाइप है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ है. ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ है. अब इसे है ना हमने पानी में डाल दिया आधा 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 पानी में ऐसे वर्टिकल पानी में डाल दिया. तो अब जो बचा हुआ पाइप है बाहर आधा, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये बताइए. क्वेश्चन एक बार और सुन लो. एक ओपन ऑर्गन पाइप है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ है. जब इसे पानी में आधा डाल दिया वर्टिकली डिप ऐसे, तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बाहर बचे हुए पाइप की. इस तरह का है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है. मैंने डायग्राम बनाया ना उससे पता लग गया ना आंसर. देखो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में ही ये डायग्राम बनेगा, यानी कि यहां पर नॉट बनेगा. जब इसे आधा पानी में डाल देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा यहां से, तो यहां नॉट बनना जरूरी है और यहां एंटी नॉट. इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये होगी. गौर से देखो इसकी और इसकी वेवलेंथ में कोई डिफरेंस है? अरे ये भी लैम्डा बाई फोर इज इक्वल टू एल बाई टू है, ये भी लैम्डा बाई फोर इज इक्वल टू एल बाई टू है. तो लैम्डा में कोई चेंज नहीं आया तो फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो सेम फ्रीक्वेंसी होगी. अब अगर आपको सिर्फ फॉर्मूले से ही करना है तो कर लेते हैं. इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v अपॉन 2l, इक्वेशन वन. और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v अपॉन 4l डैश. लेकिन बेटा l डैश भी तो आधा रह गया ना, इसकी लेंथ l बाई टू है. तो 4l डैश को l बाई टू लिखोगे तो ये भी v अपॉन 2l आ जाएगा. और v अपॉन 2l कितना है? पहले वाला f. तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ ही रहेगी. यहां पर है ना क्वेश्चंस तब थोड़े से अच्छे बनेंगे जब बीट्स आ जाएगा. वह स्ट्रिंग को और एयर कॉलम को एक साथ यूज करता है. एक स्ट्रिंग है वो एयर कॉलम के साथ रेजोनेंस में है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है. या ऐसा बोलेगा कि स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी फर्स्ट ओवर टोन के बराबर है, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देगा. फिर कहेगा स्ट्रिंग को थोड़ा सा टाइट किया, उसमें टेंशन बढ़ाया, टेंशन बढ़ाने से स्ट्रिंग और पाइप के बीच इतने बीट्स बने
है ना, तो वो बीट से भी पढ़ाऊंगा। तो कितने बीट बनते दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस के बराबर, तो वायर की वायर में टेंशन बढ़ाई तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में एक डिफरेंस दे देगा। फिर पूछ लेगा कि इसकी लेंथ कितनी है या उसका टेंशन कितनी है, और बहुत सारा डाटा देकर कुछ ना कुछ पूछ लेगा। एक क्वेश्चन हमने पिछले टर्न पर किया था स्ट्रिंग में, मैंने आपको दिया था कि स्ट्रिंग का भैया x इज इक्वल टू 0 जो है वो एंटी नोड बनता है, और सेकंड ओवरटोन या थर्ड ओवरटोन दिया था उसमें वो वाइब्रेट कर रही है स्ट्रिंग, तो एल वाई फोर एक्स पोजिशन पर उसका एम्पलीट्यूड पार्टिकल का कितना होगा, वो यहां भी एक बार मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो रिपीट भी हो जाएगा और ऑर्गन पाइप का एक क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखो एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज वाइब्रेटिंग इन इट्स थर्ड ओवरटोन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एट एंटी नोड इज ए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एट एंटी नोड इज ए। फुल स्टॉप। कैलकुलेट एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स क्लोज एंड, एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स क्लोज एंड। अब मैं एक्स की वैल्यू भी लेंथ की टर्म्स में दे सकता था। हाँ बेटा, पाइप की लेंथ कैपिटल एल है, ये लिख लो, लेंथ ऑफ पाइप इज एल, कैपिटल एल।
क्योंकि अगर हम थर्ड ओवरटोन में पाइप को वाइब्रेट करवा रहे हैं तो फर्स्ट ओवरटोन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में लैम्ब्डा बाई फोर होता है, फर्स्ट ओवरटोन में थ्री लैम्ब्डा बाई फोर, फाइव लैम्ब्डा बाई फोर, तो ये थर्ड ओवरटोन हो गया फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। तो एन की फॉर्म में रखने से कहीं ज्यादा अच्छा है इतना सा लिख लिया जाए, कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चों सेवन लैम्ब्डा बाई फोर मैंने एल दिया है आपको, तो लैम्ब्डा फोर एल बाय सेवन। जो एम्पलीट्यूड होता है वो या तो ए साइन के एक्स होगा या ए कॉस के एक्स। मैंने क्लोज्ड एंड को x इज इक्वल टू जीरो माना है तो साइन आएगा, क्लियर। और k होता है 2 पाई बाय लैम्ब्डा, और लैम्ब्डा कितना है 4l बाय 7, तो 2 पाई बाय 4l बाय 7, 7 पाई बाय 2l इंटू एक्स। अब मैं आपसे पूछता x इज इक्वल टू एल बाई सेवन पर कितना होगा, तो l बाई सेवन पुट करेंगे तो एम्पलीट्यूड एंटीनोड ही आ जाएगा, मैक्सिमम होगा, साइन पाई बाई 2 1 होता है ना। फिर l बाय 14 अगर मैं दू तो l बाय 14 दूंगा तो साइन पाई बाई 4 आ जाएगा a बाय रूट 2। तो मैंने x की फॉर्म में इसलिए निकलवा दिया कि अब आप कोई भी वैल्यू दे दे आप बता सकते हो, करेक्ट बेटा। इतने सिंपल होते हैं कि मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन भी सोचता हूं ना, बहुत अच्छा, तो भी लगता है कि यार इजी है, ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा। एक एयर कॉलम है, वो अपनी किसी ट्यूनिंग फोर्क से उसे वाइब्रेट करवाया तो फ्रीक्वेंसी मतलब एफ फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फोर्क की, और फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है। फिर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मान लो, फिर इस पाइप में एयर की जगह हीलियम भर दी और उसका टेम्परेचर भी चेंज कर दिया। तो अगर हम इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो अब कितनी आएगी, तो यहां पर पूरा अटैक उसने वेलोसिटी पर कर दिया, इसमें लेंथ भी चेंज कर देगा कि मान लो डबल लेंथ भी ले ली तो वेलोसिटी हम चेंज कर लेंगे, अंडर रूट गामा आरटी अपॉन मोलिकुलर वेट, हीलियम का मोलिकुलर वेट भी चेंज हो जाएगा एयर से, एयर का 29 होता है ना, चलो हम 28 दे दे, हीलियम का कितना होता है 4 होता है, ताकि 4 7 जाए 28 कट जाए। गामा भी चेंज हो जाएगा, एयर डाया मोलिकुलर डाया एटोमिक होता है तो गामा 7 बाई 5 होता है, सही बोल रहा हूं ना मैं, और हीलियम मोनो एटोमिक होता है 5 बाई 3 होता है, गुड, चलो ये आता है आप लोगों को। फिर टेम्परेचर भी चेंज करेगा, तो गामा भी चेंज कर दिया, टेम्परेचर भी चेंज कर दिया, मोलिकुलर वेट भी चेंज कर दिया, कैपिटल आर वो चेंज नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो तीनों से वो नई वेलोसिटी आ जाएगी। और अगर लेंथ चेंज नहीं की तो सीधे सीधे एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू वी डैश अपॉन वी आ जाएगा, उससे नई फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो बच्चों कहीं ना कहीं ये डिस्कशन फार्मूला बेस्ड ही है, चाहे वो वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कराए या इनकी फ्रीक्वेंसी मोड को यूज कर ले, तो बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन, इससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते जो मैं लास्ट टर्न पर और अब करा चुका। इसलिए मुझे लग रहा है जबरदस्ती टाइम नहीं लगाना चाहिए और अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस इन टाइम, दूसरी हेडिंग है बीट्स, तो आप हेडिंग लिख ले बीट्स, ब्रैकेट में लिख दे इंटरफेरेंस इन टाइम।
बीट्स को इंटरफेरेंस इन टाइम भी बोलते हैं, क्यों? जैसे हमने इंटरफेरेंस में डिस्कस किया था, अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाते हैं, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम से मिनिमम, फिर और आगे जाते हैं तो मिनिमम से मैक्सिमम होती है, यानी कि वो इंटरफेरेंस इन स्पेस था, इंटरफेरेंस इन पोजीशन था। और वो होता क्यों है? क्योंकि पोजीशन चेंज करने से दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस चेंज होता है। लेकिन अगर आप एक पोजीशन पर ही खड़े रहते वहां पर, तो आपको एक फिक्स इंटेंसिटी सुनाई देती, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, वो पोजीशन के साथ चेंज होती है। थोड़ा फील करो, देखो तभी मजा आएगा। लेकिन बेटा यहां पर कुछ और है, इंटरफेरेंस इन स्पेस जो हमने डिस्कस किया था, वहां पर दोनों वेव की कंडीशन थी कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम होने से क्या हुआ, जो फेज डिफरेंस होता है, यहां पर SHM का एक क्वेश्चन आपको याद आएगा, जैसे मान लो एक वेव है ओमेगा टी, एक पर्टिकुलर पोजीशन हम फिक्स कर देते हैं ओमेगा 1t, दूसरी वेव है ओमेगा 2t, तो दोनों का जो फेज डिफरेंस आएगा वो ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t होगा। और अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इक्वल नहीं है तो ये डिफरेंस टाइम के साथ चेंज होगा, ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t। भाई अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इक्वल हो जाए तो फाई डेल्टा फाई हमेशा जीरो रहेगा, चाहे टाइम कुछ भी ले लो, है ना? पोजीशन हमने फिक्स कर दी। पहले ये हो रहा था, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर टाइम के साथ फेज में कोई चेंज या फेज डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा था, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर थी। बट इफ फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग है, ओमेगा इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2, तो डेल्टा फाई टाइम के साथ चेंज होगा। मैं यहां खड़ा हूं एक पोजीशन पर, इसको टी इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। टी इज इक्वल टू 0 पर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा और मुझे मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। मैं अपनी जगह से हिला नहीं हूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद टाइम बढ़ा है ना, तो ये वैल्यू इंक्रीज होकर पाई हो गई। और जैसे ही ये वैल्यू डेल्टा फाई पाई हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मिनिमम इंटेंसिटी। फिलहाल आप दोनों की इंटेंसिटी इक्वल मान लो ताकि क्लियर इंटरफेरेंस हो जाए। फिर मैं खड़ा रहा, मैंने पोजीशन चेंज नहीं की, थोड़ी देर के बाद ये वैल्यू इंक्रीज हो, क्योंकि टाइम तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये वैल्यू इंक्रीज होकर 2π हो गई। जब ये वैल्यू 2π हुई तो फेज डिफरेंस 2π हो गया, तो इंटेंसिटी फिर मैक्सिमम होगी, तो फिर मैक्सिमम मुझे 4i सुनाई दिया, फिर ये 3π हुआ, फिर 0 सुनाई दिया, फिर ये 4π हुआ, ये बढ़ता रहेगा 0π 2π 3π 4π 6π 7π, मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम एक ही पोजीशन पर सुनाई देगी। This is called beats. दो मैक्सिमम साउंड के बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है वो बीट्स पीरियड कहलाता है, बीट्स पीरियड। और अगर बीट्स पीरियड 0.2 सेकेंड है तो मुझे एक सेकेंड में 5 बार मैक्सिमम और 5 बार सॉरी 5 बार मैक्सिमम और 5 बार मिनिमम सुनाई देगा। तो ये 5 क्या हुआ, बीट्स फ्रीक्वेंसी। आई रिपीट अगेन, दो मैक्सिमम साउंड के बीच में जो टाइम डिफरेंस होता है वो बीट्स पीरियड कहलाता है, और एक सेकेंड में जितनी मैक्सिमम और मिनिमम साउंड सुनाई देती है, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, वो बीट्स फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और बच्चों कैलकुलेट करने पर जो बीट्स फ्रीक्वेंसी आती है वो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस के
बराबर आता है वो अभी निकाल दूंगा जरा सा। अरे ये पूरा एसएचएम का वही क्वेश्चन है, T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2, वहां यही होता था। कितने टाइम के बाद सेम फेज में आएंगे? अरे जब दोबारा सेम फेज में आएंगे तो दोबारा मैक्सिमम सुनाई देगा, वो बीट पीरियड हो गया, उसको रिवर्स कर दो, फ्रीक्वेंसी हो गया। तो बच्चों ये था इंटरफेरेंस इन टाइम यानी कि बीट्स, करेक्ट। थोड़ा सा लिखते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं लिखेंगे, लिखो। When two waves of unequal frequency, propagate in same direction, then after superposition, at a particular position in medium, intensity of resultant wave changes periodically, maximum and minimum. This periodic change in intensity, is called Beats formation. ठीक है ना बच्चों? अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करना चाहें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी तब होता है जब डेल्टा फाई 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई होता है। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी, ये सारी वैल्यू हो जाएगा। मुझे चाहे ज्यादा लिखना पड़े फिर भी मैं 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 और n प्लस 1 n पाई और 2n पाई नहीं लिखूंगा क्योंकि वो कंफ्यूजिंग है। हाँ बच्चा, इसको 2 पाई बाई टी 1 लिखेंगे, इसको 2 पाई बाई टी 2 लिखेंगे, तो ये 1 अपॉन टी 1 माइनस 1 अपॉन टी 2 आ जाएगा। तो कितना आएगा? 0, 1, 2, समझ रहे हैं ना? वो 2 पाई से काट दिया मैंने। तो t की, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे ना, t की वैल्यूज आ जाएंगी, क्या आएंगी? आइदर 0, 1 अपॉन 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, 2 अपॉन 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, एंड सो ऑन। इन दोनों साउंड के बीच का जो टाइम, ये जो टाइम डिफरेंस है, ये कहलाता है बीट्स पीरियड। तो बीट्स पीरियड क्या होगा? कैपिटल टी इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, सेम आएगा। कितना आएगा? टी वन इंटू टी टू अपॉन टी टू माइनस, वही आ गया ना। हाँ, लेकिन अगर हमें बीट्स पीरियड निकालना नहीं होता, हमें बीट्स फ्रीक्वेंसी निकालना है। बीट्स फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन t आएगा, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, 1 अपॉन t1 आएगा f1, 1 अपॉन t2 आएगा f2। तो ये मैं बोल रहा था कि बीट्स फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस के बराबर होगा। बच्चों अगर इसे ही मिनिमम इंटेंसिटी के लिए रिकैलकुलेट करें तो कॉपी होगा। मिनिमम इंटेंसिटी में यहां पाई 3 पाई 5 पाई आएगा या 1, 3, 5 आएगा, समझ रहे हैं आप? और जब आप डिफरेंस निकालोगे तो सेम आएगा,
क्योंकि यहां पर 2 पाई से डिवाइड करेंगे ना तो नीचे 2 और आएगा हर किसी में, नहीं समझे? तो वो 1/2, 3/2, 5/2 ऐसे आएगा और डिफरेंस हमेशा यही आएगा। तो अगर आप रिकैलकुलेट करना चाहें तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कॉपी कर सकते हैं, अपने आप लिख सकते हैं, इसे तो कॉपी करना है। अल्टीमेट रिजल्ट सेम आएगा, दो मिनिमम साउंड के बीच का टाइम डिफरेंस भी यही आएगा, इसलिए उससे भी बीट्स फ्रीक्वेंसी सेम आएगी। तो अब हमें रिजल्ट याद रखना है, बस डिस्कशन हो गया, इसे फटाफट कॉपी करो, फिर बीट्स के हम इलस्ट्रेशंस देखते हैं। बच्चों बीट्स फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम लोग किसी ट्यूनिंग फोर्क की, अननोन ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मुझे आपको ट्यूनिंग फोर्क की कुछ प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी। तो जैसे ट्यूनिंग फोर्क बना हुआ होता है, ऊपर यू शेप होता है, नीचे हैंडल होता है, तो
जब हम इसे रबर पैड पर मारते हैं तो इसमें इस तरह से वेव प्रोड्यूस होती है। देखो ये हैंडल है, तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है और फिर इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करती है। कैसे करता है? यहां पर एंटी नोड बनाना है, नोड बनाना है। शायद इस तरह से कुछ होता है, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनेगा। तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, यहां कहीं नोड होता है, फिर ये ऐसे ऐसे, तो ये जो वेव है इसमें ट्रांसफर हो जाती है और नीचे आप जिस पर रखेंगे, जैसे अगर आपने सोनोमीटर के बॉक्स पर रखा तो सोनोमीटर के बॉक्स को, मतलब इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और इसमें ट्रांसवर्स वेव होती हैं। तो अगर हम इसकी जो दोनों ये वाली आर्म्स हैं इनको लोडेड कर दें, अगर वैक्स लगा दें, चिंगम खाकर चिपका दें, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। हैवी हो जाता है ना, हैवी होने से इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है। और रिवर्स काम करें, अगर हम इसको थोड़ा सा घिस दें, फाइलिंग कर दें यहां से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तोड़ना नहीं है, एक सिंगल अगर होगा तो वेव नहीं बनेगी, एक तरफ से तोड़ मत देना, हल्का सा घिस दो, रब कर दो ऐसे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि दो ट्यूनिंग फोर्क है, एक की फ्रीक्वेंसी अपने पास पता है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी नहीं पता। ऐसी होती है ना कि 256, 512 इस तरह से होती है। तो एक ट्यूनिंग फोर्क है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज, दूसरी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी अननोन है। जब हम इन दोनों को एक साथ वाइब्रेट कराए तो 6 बीट्स बने। अब हम इतना बता सकते हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 6 है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि अननोन ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 256 से 6 कम है या 6 ज्यादा है। तो दो केस बनते हैं। तो अननोन ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 250 भी हो सकती है, 262 भी हो सकती है, 4 बीट्स बने। फिर एक बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना पड़ेगा। अब हम अननोन ट्यूनिंग फोर्क को थोड़ा सा लोडेड कर देते हैं, उस पर वैक्स डाल दिया, मोम चिपका दिया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होगी। अब हमसे कहेगा कि साहब अब इसको और नॉन फ्रीक्वेंसी वाले को वाइब्रेट कराने पर 4 बीट बने, 4 बीट्स पर सेकंड, पर सेकंड होता है। तो बच्चों अगर हम 250 लेते, आप सुन रहे हैं ना, इसमें मैं लिखूं क्या, अगर हम 250 लेते अननोन ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी, तो वैक्स लगाने के बाद 250 से और कम होती और उसका और 256 का डिफरेंस ज्यादा होता, लेकिन हमें तो कम कर दिया डिफरेंस, तो इसका वाला 250 गलत आंसर है, 262 करेक्ट आंसर है। क्योंकि आप सोचिए 262 पहले हो गई, वैक्स लगाने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई होगी, मान लो 260 हो गई, 262 से 260, तो 260 और 256 का डिफरेंस, तो हमारा काम हो गया। लेकिन बेटा हमेशा जरूरी नहीं है क्वेश्चन ऐसे ही हो। अब दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले तो आंसर निकाल दिया कि साहब एक 256 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का एक ट्यूनिंग फोर्क है, उसे एक अननोन ट्यूनिंग फोर्क के साथ जब वाइब्रेट कराया तो नंबर ऑफ बीट्स 4 बने, 4, 4, 4, 6 नहीं 4। फिर हमने अननोन ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर वैक्स लगा दिया, फिर इसके साथ वाइब्रेट कराया तो फिर 4 बने,
पहले भी 4 बीट्स थे, अब भी 4 है, तो अननोन ट्यूनिंग 4 की फ्रीक्वेंसी पहले क्या थी और अब क्या है? पहले 4 ज्यादा थी, अब 4 कम है, तो पहले 260 थी, अब 252 है। क्योंकि अगर आप पहले 252 ले लेते तो वो कम हो जाती तो और भी डिफरेंस बढ़ता, तो डिफरेंस सेम रखना है तो पहले 4 ज्यादा थी, बाद में 4 कम है, करेक्ट। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करना है तो 3 ट्यूनिंग फोर्क ले लेगा, केस बनाते रहो, काटते रहो, बना बनाकर रिजेक्ट करते रहो, लास्ट में सही बन जाएगा तो लेंथी हो जाएगा, है क्या? कोई फार्मूला नहीं है इनका, कुछ नहीं है। ट्यूनिंग फोर्क से अगर हम बाहर निकले, बच्चों मैं लिखा नहीं पाऊंगा इन क्वेश्चन को, तो लिखवाने में इतना टाइम लगेगा, करने में 10 सेकेंड भी नहीं लगते। एक वायर है जो अपने फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है, स्ट्रेस्ड वायर, और इसको एक ऑर्गन पाइप के साथ रेजोनेंस कराया। रेजोनेंस का मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। फिर वायर में टेंशन थोड़ी सी इंक्रीज कर दी, वायर में टेंशन बढ़ाने से वायर की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है ना, फिर 2 बीट्स बन गए, करेक्ट। अब आपसे यह भी कह सकता है कि साहब हमने टेंशन को 2% बढ़ा दिया, समझे, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दे देगा, पाइप की लेंथ पूछ लेगा, तो अभी मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कौन सी वैल्यू देनी चाहिए और कौन सी वैल्यू नहीं देनी चाहिए, तो हम देखते हैं हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। पहले उसने कहा था क्लोज ऑर्गन पाइप ले लो, वायर की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो V/4L के बराबर है, यही बोला ना, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बेटा वायर अगर ना दे, हालांकि क्वेश्चन में सब कुछ लिखेगा, मैं अभी बोल नहीं पा रहा इतना कुछ, नहीं दे तो बाई डिफॉल्ट आपको वायर दोनों तरफ से फिक्स मानना है, और पाइप के लिए तो उसे देना पड़ेगा। वायर में बाई डिफॉल्ट हम दोनों तरफ से फिक्स मान लेते हैं, पाइप में नहीं मानेंगे। अब उसने क्या कहा, हमने टी को बढ़ा दिया, अभी टी डैश मान लेते हैं, अब पाइप के साथ इसका डिफरेंस कितना आ गया, 2। अभी भी मैं इसको डेल्टा एफ लिख रहा हूं क्योंकि मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना नहीं चाहता, अभी आपको समझाना चाहता हूं क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे, मैं एक दो क्वेश्चन अभी करा दूंगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बच्चों ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, 2, 3, 4। अब अगर हमें ये वैल्यू नहीं पता तो इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं, टी डैश को 2% बढ़ाया मान लो ये देगा, तो टी डैश को भी हम 1.02 टी लिख सकते हैं, तो बाकी सब कॉमन आ जाएगा, 1/2L रूट टी बाई म्यू, ये सब कॉमन आ जाएगा, फिर उसके बाद म्यू एल और ये सब देगा तो हम टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं वैल्यू नहीं देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, या अगर हमें वी और एल दे दे तो इसका मतलब अंडर रूट, ये पूरी वैल्यू पता है तो हम इससे वेलोसिटी ऑफ साउंड देकर बाद में लेंथ भी पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, हमें बस ये इक्वेशंस को मैनेज करना है, करेक्ट। मैं इस पर भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मैं ऑर्गन पाइप में एक चीज छोड़ आया हूं, उसे पहले करा दूं, एंड करेक्शन और रेजोनेंस ट्यूब, वरना फिर लेक्चर चेंज हो जाएगा तो ये चीजें रह जाएंगी, तो इस पर क्वेश्चन कर लेंगे, वरना बीट्स पर मुझे खास क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी पुराने फॉर्मूले हमने सीखे हैं ना वही सबको यहां मैनेज करना है। तो एक बार आप लिख लो एंड करेक्शन इन ऑर्गन पाइप, बच्चों हमने आपको बताया था उस समय कि एंटी नॉड एग्जैक्टली अपर एंड पर नहीं बनता, थोड़ा सा ऊपर बनता है, बाहर बनता है, थोड़ा बाहर बनता है, ये कह लीजिए एयर पार्टिकल्स के इनर्शिया की वजह से बाहर चले जाते हैं,
दिस इज कॉल्ड एंड करेक्शन। एंड करेक्शन को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया, नॉट थ्योरेटिकली, वी कैन नॉट डिराइव इट। एंड करेक्शन 0.6 आर के बराबर होता है 0.3 डी। आर इस पाइप का रेडियस है, इंटरनल रेडियस, और डी डायामीटर है। बच्चों इसको यूज करने के बाद हम यहां पर एल इज इक्वल टू लेमड़ा बाई 4 नहीं लिखेंगे, एक्स प्लस एल इज इक्वल टू लेमड़ा बाई 4 लिखेंगे। यानी कि एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी हम जो कैलकुलेट करते हैं उससे ज्यादा होती है या उससे कम होती है? भाई अब जो फ्रीक्वेंसी आएगी v अपॉन लैम्ब्डा आएगी, लैम्ब्डा आएगा 4 इंटू एक्स प्लस एल। पहले हम फ्रीक्वेंसी v अपॉन 4l निकाल रहे थे, समझ गए ना? यानी कि एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी हम जो सोच रहे हैं उससे थोड़ी कम होगी। इस चीज को हम रेजोनेंस ट्यूब में यूज करते हैं। रेजोनेंस ट्यूब आप लोगों ने देखा है एक्सपेरिमेंट? नहीं देखा, थोड़ा थोड़ा देखेगा तो पढ़ाई। अब बच्चों ये अरेंजमेंट थोड़ा टिपिकल होता है, मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट अपने पास है भी नहीं, पानी का चक्कर होता है इसमें। एक ट्यूब होती है, इसमें पानी भरा हुआ होता है, और पानी के लेवल को एडजस्ट करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है। फिलहाल उस मैकेनिज्म को रहने दें। मैंने मान लिया पानी यहां तक भरा, ये पानी भरा, ट्यूनिंग फॉर्क से इसको वाइब्रेट कराया तो रेजोनेंस यहां हुआ। पता कैसे लगा कि रेजोनेंस हो गया? साउंड सुनाई देती है ना? साउंड सुनाई देती है जो रेजोनेंस पर ही सुनेगी, बाकी कुछ नहीं सुनाई देगा। तो वो जब साउंड आएगी, मैं ट्यूनिंग फोर्क को रखोगे ना कान से, पाइप के पास कान लगाओगे तो आपको एक साउंड सुनाई देगी, बॉ इस तरह की। मैंने किया है ना, बहुत किया यार, परेशान हो जाते थे, इतना एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट तो आते नहीं थे, करते रहते थे। तो हाँ बिल्कुल ऐसी आती है। तो बच्चों हम समझते थे रेजोनेंस हो गया। तो इस कंडीशन में ये एक्स होगा, यहां से यहां तक की लेंथ हम मेजर कर लेते हैं, वो एक स्केल लगा हुआ होता है। तो एक्स प्लस एल वन इज लैम्ब्डा बाई 4 इक्वेशन 1। पानी के लेवल को एकदम से ऊपर उठाते थे। मैंने कहा ना एक मैकेनिज्म होता है, नीचे एक ट्यूब, रबर ट्यूब होती है, रबर ट्यूब के यहां पर एक ग्लास लगा हुआ होता है, ग्लास को ऊपर नीचे करके पानी का लेवल एडजस्ट करते हैं। पूरा स्टैंड होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, बुक्स में आपको डायग्राम मिल जाएगा या इंटरनेट पर सर्च कर लेना रेजोनेंस ट्यूब। वो जो इसके बाद हम पानी को एकदम से ऊपर ले गए, इतना ऊपर ताकि नहीं, अगर ये है तो नीचे लाना पड़ेगा ना, पानी को नीचे लाना पड़ेगा। मैंने यार ये फर्स्ट रेजोनेंस था, थोड़ा ज्यादा लंबा बना दिया भैया। हाँ अगर यहां पर लैम्ब्डा बना तो इसके बाद यहां पर कहीं आएगा ऐसे, तो पानी को नीचे उतार देते हैं। नीचे उतारोगे ना आपको तो धीरे धीरे नीचे उतारोगे तो वो साउंड गायब हो जाएगी, और फर्स्ट ओवरटोन जब आने वाला होगा, ये जब आएगा तो फिर से मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी। तो मान लीजिए ये वाली लेंथ L2 है, ठीक है, ऑलमोस्ट आपको 3 गुना नीचे ले जाना पड़ेगा पानी को। जैसे यहां है ये लेंथ, अगर L1 है तो ये लेंथ लगभग 3 गुना आएगा, और X तो होता है वो चेंज नहीं होता। तो सेकंड कंडीशन में x प्लस एल टू, ये लैम्ब्डा बाई 4 हो रही है, लैम्ब्डा बाय 2, 3 लैम्ब्डा बाय 4 इक्वेशन 2।
अब बच्चों यहां पर हम एक्स की वैल्यू चाहे तो डायमीटर से भी निकाल सकते हैं, पर हमें जरूरत नहीं है, हमने एक्सपेरिमेंट को रिपीट इसीलिए किया है, मतलब दो, ये दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रेजोनेंस एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड रेजोनेंस। हमने एक्सपेरिमेंट को रिपीट इसीलिए किया है कि हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट ना करनी पड़े, क्योंकि आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर हम इक्वेशन टू और वन को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये आपको कॉपी नहीं करने दिया मैंने, वो देख लेना आप, तो L2 माइनस L1 थ्री लैमड़ा बाय फोर माइनस लैमड़ा बाय फोर कितना आएगा, लैमड़ा बाय टू। तो बच्चों x का झंझट ही खत्म, और इससे ये भी पता लग रहा है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, v बाय लैमड़ा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड रूम टेम्परेचर पर निकाल लेंगे L1 और L2 इन दोनों एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क आ जाएगा। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, 3x प्लस 3L1 x प्लस, तो x आ गया L2 माइनस 3L1 बाय 2। इससे पता लगा सेकेंड जो रेजोनेंस लेंथ आएगी ना वो एग्जैक्टली L1 का 3 टाइम्स नहीं आएगा, अगर एंड करेक्शन जीरो होता तो वो L2 इज इक्वल टू 3L1 आता, पर अब थोड़ा सा ज्यादा आएगा। जैसे पहली लेंथ अगर 16 सेंटीमीटर है, फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ, समझे आप, तो दूसरी वाली 48 नहीं होगी, 50 होगी मान लो, तो 50 माइनस 3 इंटू 16 कितना, 48, 50 माइनस 48 2 बाय 2, यानी कि एंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर आ गया, करेक्ट। तो दिस इज रेजोनेंस ट्यूब, एंड करेक्शन मैंने बता दिया, इसे आप कॉपी करो, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में क्वेश्चन करने के बाद हम डॉपलर भी स्टार्ट कर देंगे।